आज देश में 30 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि हर रोज कोई न कोई युवा आत्महत्या कर रहा है, और ये दुखद है कि मोदी सरकार युवाओं की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। ये सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई थी। इस हिसाब से बीते 6 साल में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार अब तक कम से कम 14 करोड़ लोगों की नौकरी छीन चुकी है। सरकार रेलवे का निजीकरण और सरकारी कंपनियों को बेचकर युवाओं के रोजगार के अवसर लगातार छीन रही है। हमारी मांग है रेलवे और अन्य सरकारी संस्थानों का निजीकरण तुरंत बंद हो, कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं को आर्थिक मदद मिले, सरकारी विभागों में पदों को खत्म किए जाने पर रोक लगे और अदालतों में अटकी सरकारी भर्तियों पर जल्द फैसला लिया जाए। इसलिए 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस के साथ मिलकर भारत के छात्र और बेरोजगार युवा राष्ट्र बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। युवाओं की मांग है सरकार से, रोजगार दो या गद्दी छोड़ो।